Good morning everybody. In the last video, we have started the self-practice 9C and already we have completed the question number 1, all the three questions, okay. So, today I am going to discuss with the question number second, self-practice, self-practice self 9C, okay. Deho. अब क्वेश्चन नंबर टू में यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एडजेसेंट एंगल अब एडजसेंट एंगल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था ठीक है एडजस्टेंट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिल द साइज़ ऑफ ईच ऑफ द एंगल इन ए डायग्राम अब यहाँ पे देखो एक एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और बाकी सारे एंगल आपको फिल करने हैं ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ए नंबर बना रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आपका ए है डायग्राम पहले बना लो ये देखो ये दो लाइंस आपस में बिल्कुल भी पैरेलल हैं और यहाँ पे एक लाइन जो है वो बिल्कुल ट्रांसवर्सल लाइन है ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री 50 डिग्री यहाँ पे ये एंगल वन है ये एंगल टू है ये एंगल थ्री है फिर इधर से ये एंगल फोर है और ये बिल्कुल फाइव है ये सिक्स है और ये आपको सेवन है टोटल सेवन एंगल तो ये सारों जो यहाँ पे जो सेवन एंगल्स जो दिए हुए हैं सारे एंगल जो हैं सेवन एंगल तो इन सेवन एंगल्स का वैल्यू आपको निकालना है और सिर्फ एक एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है कितना इजी से हम लोग निकाल सकते हैं वो देखो सबसे पहले देखो अगर एंगल ये 50 डिग्री है और फोर तो बाबू ये तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी होता है तो इसका मतलब एंगल जो फ़ोर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फिफ्टी डिग्री कौन सा प्रॉपर्टी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लिख दोगे कॉस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है ब्रैकेट में करके लिख दो तो मैंने फ़ोर का वैल्यू निकाल लिया ठीक है अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ये 50 है तो इसके पीछे का एंगल 2 जो है ये भी बिल्कुल 50 होगा कौन सा प्रॉपर्टी वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इसका मतलब एंगल 2 का वैल्यू भी कितना होगा 50 डिग्री ये होगा वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल आप अप लिख सकते हो ठीक है तो इसका मतलब मैंने टू निकाल लिया अब टू निकल गया तो अब सिक्स निकाल लोगे टू और सिक्स किससे हो जाएगा टू और सिक्स हो जाएगा बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है अगर आप सिक्स निकाल लोगे तो सिक्स का और फोर का वैल्यू भी मैच करता है तो देखो ये फिफ्टी डिग्री होना चाहिए ठीक है आप चाहो तो उसके बाद सिक्स निकल गया तो आप सेवन कैसे निकाल सकते हो सिक्स और सेवन जो है लीनियर पेयर लीनियर पेयर आप जानते हो ना लीनियर पेयर क्या होता है तो लीनियर पेयर मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर दो एंगल में अगर एक आर्म कॉमन होता है तो उसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं तो सिक्स और सेवन का जो सम होगा वो बिल्कुल कितना होगा बिल्कुल भी होगा वन तो अगर एक का वैल्यू पता है दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं मतलब कि एंगल सिक्स प्लस अगर एंगल सेवन करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री कौन सा प्रॉपर्टी लीनियर एंगल लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी से तो एंगल सिक्स का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी अगर हम लोग देखेंगे तो सिक्स और फोर का वैल्यू तो सेम होगा 50 50 डिग्री तो इसका मतलब एंगल सिक्स की जगह पे मैं 50 डिग्री पुट कर सकता हूँ और यहाँ पे एंगल सेवन इज़ इक्व टू वन डिग्री और अगर एंगल सेवन का वैल्यू निकालना है तो 180 हंड्रेड एट्टी माइनस फिफ्टी तो अगर 180 हंड्रेड एट्टी माइनस करोगे फिफ्टी तो ज़ीरो थ्री एंड वन वन डिग्री है ना तो 130 हंड्रेड थर्टी डिग्री आ जाएगा एंगल सेवन का वैल्यू वैसे करके आप बाकी और के एंगल निकाल सकते हो सारा कंसेप्ट को यूज़ करके आप कोरोस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ करो वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज़ करो को इंटीरियर एंगल यूज़ करो सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर दी है आपको जिससे मन है उससे आप निकाल सकते हो बिल्कुल भी ठीक है क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर सी देखो सी देखो थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ठीक है तो इसका सी नंबर देखो सी नंबर में क्या है पहले ये दो लो, दो लाइंस जो हैं ये बिल्कुल भी पैरेलल हैं ये दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन बिल्कुल ऐसे ट्रांसवर्स लाइन है और फिर यहाँ पे देखो एक और ट्रांसवर्स लाइन है मतलब दो लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है ये दिया हुआ वन हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री यहाँ पर दिया हुआ ये ए और यहाँ पर दिया हुआ ये बी और यहाँ पे दिया हुआ ये 120 डिग्री ठीक है 120 डिग्री तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालने हैं, आपको वैल्यू निकालने है ए और बी का तो देखो आपको पता है कि सिंस ये लाइन और ये लाइन तो पैरल है तो अगर एक ही तरफ के दोनों एंगल अगर होते हैं अगर आपको थोड़ा सा अगर फिगर को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा खुद से इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो देखो तो ये लाइन तो बिल्कुल अब पैरल हो चुके हैं ये लाइन ये लाइन और ये लाइन मेरे लिए क्या ट्रांसवर्स लाइन तो इसको अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल थोड़ा तो फिगर ऐसे कर लो अब तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरल है ये मेरे लिए ट्रांसवर्स लाइन है तो एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम कितना होता है को एंगल का सम वन वो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लोगे तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री करोगे तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री कौन सा प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी होता है को इंटीरियर एंगल को को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ठीक है तो यहाँ पे बी का वैल्यू आपको नहीं पता है तो एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री माइनस करोगे तो जीरो और सिक्स मतलब सिक्सटी डिग्री ठीक है यस सिक्सटी डिग्री ठीक है तो इसका मतलब एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया बिल्कुल सिक्सटी डिग्री का ठीक है वैसे अगर यहाँ पर अगर मैं एंगल ए निकालना चाहता हूँ तो एंगल ए भी बहुत आराम से आप निकाल सकते हो देखो ये वन डिग्री है तो ये पीछे का भी कितना पार्ट हो जाएगा 135 आ जाएगा 135 और बिल्कुल फिर इसको अगर ऐसे आप देखते हो ऐसे देखते हो तो ये 135 कैसा है आप समझ गए ये किस किस कंसेप्ट से वर्टिकल अपोजिट एंगल कंसेप्ट से और एक ही तरफ के अगर दोनों एंगल का फिर से सम करोगे को इंटीरियर तो यहाँ पे भी आ जाएगा 135 और ए का सम 180 और यहाँ से फिर आराम से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो सेम प्रोसेस को यूज़ करके तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर सी को समझ गए होगा ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल वैसे ही है ई बिल्कुल वैसे ही है अब सॉल्व करने की कोशिश करना अगर आपको दिक्कत होगा आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेज में ठीक है मैं क्वेश्चन नंबर इसका एफ़ बताता हूँ देखो एफ़ एफ़ में क्या है कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है ये दो लाइन आपस में पैरल है ठीक है उसके बाद यहाँ से कुछ लाइन एक ऐसे गया हुआ है और एक लाइन फिर एक ऐसे गया हुआ है ठीक है ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 145 145 और ये दिया है 138 138, ठीक है और यहाँ से एक लाइन डॉट डॉट करके दिया हुआ है और ये तीनों लाइन आपस में क्या है पैरल है ये एरो दिया हुआ है मतलब इसका मतलब को समझना है कि ये तीनों लाइन आपस में पैरल है यहाँ पे ये एंगल पी है इसका आपको वैल्यू निकालना है एंगल पी का वैल्यू निकालना है ठीक है तो है हम लोग देखते हैं कि एंगल पी का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को भी थोड़ा हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं इधर इसको आगे एक्सटेंड कर दिए ठीक है आगे एक्सटेंड कर दिए अब देखो अगर ये 145 है तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ ये एंगल ठीक है अभी इसका नाम कुछ नहीं दिया है मैं खुद से इसको मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ ए ठीक है तो अभी अगर मैं एंगल ए निकालना चाहूँगा एंगल ए तो एंगल ए और 45 फाइव का जो सम है ये कितना आ जाएगा 45 और ए को ऐड करेंगे तो बिल्कुल कितना होगा वन कौन सा प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर से मतलब एंगल ए प्लस वन डिग्री इज़ इक्व टू तो वन डिग्री कौन सा प्रॉपर्टी लीनियर पेयर लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज है तो एंगल ए का वैल्यू होगा 180 डिग्री और इधर आज माइनस करोगे 145 तो माइनस करोगे 5 में 5 जाएगा 10 में 5 गया तो 5 उसके बाद यहाँ पे आया 7 तो 7 में से अगर 4 गया तो 3 कितना आ गया 35 तो इसका मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना है 35 ठीक है अब उसके बाद देखो <coughs> अगर यहाँ पर एंगल वन है अगर मैं ये एंगल को खुद से भी एज्यूम कर लेता हूँ खुद से बी तो वैसे ही अगर एंगल बी और 38 को अगर ऐड करूँगा तो अगर एंगल बी प्लस वन को अगर ऐड करूँगा तो ये बिल्कुल 180 आ जाएगा कौन सा प्रॉपर्टीज़ है लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज़ है लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज़ है तो यहाँ से अगर एंगल बी निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस वन डिग्री आप माइनस करो 10 में से अगर 8 गया 2 और फिर यहाँ पे कितना बचा 7 तो 7 में से अगर 3 गया तो 4 ठीक है तो ये हो गया आपका 42 डिग्री तो आप ध्यान से देखो अगर ये B मैंने 42 निकाला है और अगर ये लाइन और ये लाइन पूरा पैरल है तो ये B के साथ जो ये वाला पार्ट एंगल आपको दिख रहा है ये कौन सा एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इसका वैल्यू भी कितना होगा फोर्टी डिग्री वैसे यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरल है तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो बिल्कुल कितना हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा अगर ये मैंने निकाला 35 तो ये भी हो जाएगा कितना 35 थर्टी फाइव है ना देयर फोर फ्रॉम फ्राम ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल पी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू हो जाएगा थर्टी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी टू डिग्री इसको ऐड करोगे तो फाइव सिक्स सेवन और और सेवन हो जाएगा सेवेंटी सेवन डिग्री तो इसका मतलब एंगल पी का वैल्यू पूरा कितना आ गया सेवनटी सेवन डिग्री वो कैसे आया मैंने आपको बताया ठीक है पहले यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट निकाला पहले बी था बी का वैल्यू निकाला कैसे लीनियर पेयर से जो बी का वैल्यू आया वही ये वैल्यू आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर से फिर यहाँ पे इसको भी लीनियर पेयर से ए निकाला और जो ए का वैल्यू है वही यहाँ पे 35 है और 35 और 42 को पूरा ऐड करेंगे तभी ये पूरा एंगल पी बन रहा है तो 35 और 42 टू का ऐड किया 77 ठीक है तो ये मैंने आपको आज बताया नाइन सी और नाइन डी जो है वो सारे कंसेप्ट को यूज़ करके बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो तो नाइन डी मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ ठीक है थैंक यू वेरी मच